नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़, सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल कुकुलीपुर सठियाव आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि जनपद के अध्यक्ष जिला पंचायत का निर्वाचन कराए जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें 26 जून 2021 को नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच का दिनांक 26 जून 2021 को दोपहर 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी से नाम वापसी दिनांक 29 जून 2021 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक तथा दिनांक 3 जुलाई 2021 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान एवं उसी दिन दोपहर 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना सम्पन्न कराई जाएगी। उक्त सभी कार्यक्रम जिला पंचायत के नेहरू हॉल सभा कक्ष में सम्पन्न होगा। उक्त निर्वाचन में नामांकन, मतदान एवं मतगणना की कार्रवाई संपन्न कराए जाने हेतु सुरेश चंद्र जायसवाल, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अशोक त्रिपाठी, चकबंदी अधिकारी साहित्य निकष सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्रीकांत दरवे, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है तथा आदेशित किया गया कि वो नामांकन से लेकर मतगणना तक की कार्रवाई सकुशल, निष्पक्ष एवं त्रुटि रहित संपन्न कराएंगे। इसी के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने उक्त निर्वाचन को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने हेतु नेहरू हॉल परिसर के बाहर अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद गुप्ता, नेहरू हॉल परिसर के पश्चिमी द्वार पर मुख्य राजस्व अधिकारी हरी शंकर मतदान कक्ष तथा नेहरू हॉल परिसर में उप जिलाधिकारी सदर वागीश कुमार शुक्ल तथा नेहरू हॉल परिसर के दक्षिणी द्वार पर उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में लगाई गई है तथा आदेशित किया है कि नामांकन से लेकर मतगणना तक अपनी तैनाती स्थल पर उपस्थित रहकर निर्वाचन को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएंगे। जीएनपुर क्रय केंद्र पर किसानों की गेहूं की खरीदारी न किए जाने से आक्रोशित कांग्रेस पार्टी के महासचिव अजित राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को क्रय केंद्र के सामने धरना दिया और प्रदर्शन कर तत्काल खरीद शुरू करने की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिनों के अंदर सभी किसानों की गेहूं की खरीद नहीं हुई तो किसानों के साथ चक्का जाम किया जाएगा। वहीं अजीत राय ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते क्रय केंद्र पर 1 दर्जन किसानों का गेहूं पानी में भीग रहा है, लेकिन खरीदारी नहीं हो रही है। अब अन्नदाता का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। मुकेश राय ने कहा कि किसानों की गाढ़ी कमाई से पैदा गेहूं बर्बाद हो रहा है और अधिकारी तरह तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। मैंने कहा कि केंद्रों पर तैनात विपणन अधिकारी की मनमानी के चलते ब्लॉक का किसान बर्बादी के कगार पर खड़ा है, उसे तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। किसानों का पैसा उनके खाते में तत्काल ट्रांसफर किया जाना चाहिए। धरने का नेतृत्व अजित राय, मुकेश राय, तस्लीम अहमद, फुजैल अहमद, अरविंद मिश्रा, सैयद अहमद, अनीस अहमद ने किया। जो सरकार का रवैया है किसानों के प्रति, और ये बारिश भी हो रही है, यहाँ किसान लेकर अपना गेहूँ क्रय केंद्रों पे लाइन लगा कर पड़े हुए हैं और समय से न खरीद हो रही है न इनका भुगतान किया जा रहा है, इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ धरने बैठे हुए हैं। अगर यहाँ की व्यवस्था क्रय केंद्र को सही ढंग से नहीं संचालित किया जाएगा, किसानों का भुगतान नहीं किया जाएगा, समय से इनकी तौल नहीं की जाएगी, तो हम लोग आगे भी इस मुद्दे को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और ये निरंतर जारी रहेगा। ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जो सरकार का रवैया है, काफी उपेक्षित है किसान, रोजगार बेरोजगारी बढ़ गई है, नौजवान उपेक्षित है, किसान उपेक्षित है, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है इन लोगों के मनमाने तरीके से, तौर तरीकों से जो इन लोगों का इस समय चल रहा है, कोविड का समय है, उसके बाद भी यहाँ बारिश में लेकर किसान अपना गेहूँ ऐसे खुले में पड़े हुए हैं, भीग रहा है, अनाज सड़ रहा है, और यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों कान में जू नहीं रेंग रही है, न समय से ये लोग खरीद कर रहे हैं, न क्रय केंद्र पे, पहली बात तो यहाँ एसएमआई आते नहीं है समय से, मैं कई बार आया लेकिन यहाँ उनको नहीं पाया ताकि उनसे कुछ पूछा जाए कि ऐसा क्यों दुर्व्यवस्था चल रही है। यहाँ के किसानों से मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा उन लोगों ने? मैं भी ये पास गांव का ही हूँ, मैं भी किसान हूँ और इनकी पीड़ा मतलब सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोग पीड़ित हैं। यहाँ के मनमाने तौर तरीकों से न समय से यहाँ
केंद्र का खुलना, न भुगतान होना, न खरीद करना। फिलहाल वर्तमान समय में खरीद हो रही है नहीं? आज अभी नहीं हो रही। आपकी बात हुई केंद्र प्रभारी से? अभी मुलाकात नहीं है। वहीं क्रय केंद्र के विवरण निरीक्षक संतोष कुमार यादव का कहना है कि गेहूं क्रय किया जा रहा है। बारिश की वजह से कुछ समय के लिए बाधा आई थी, लेकिन अब किसानों से गेहूं क्रय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अनावश्यक रूप से काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यहां सरकार की प्राथमिकता पर आधारित गेहूं क्रय जो होना है किसानों के द्वारा, वो पूरी तरह से चल रहा है। किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, किसानों से पूरा सहयोग है। हम लोग भी पूरी तरह से सहयोग करते हुए सरकार की जो मंशा के अनुरूप कार्य कराया जा रहा है। और यहाँ पे लोग, चूँकि बीच में बारिश का मौसम आ गया था जिसके कारण की खरीद बाधित हुई थी, वही किसान जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, करीब यहाँ पे 20-22 किसान थे, उनकी खरीद को अनवरत जारी रखा गया है। किसी तरह की कोई रोक नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के कुछ पदाधिकारी गण आके अनावश्यक रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण मेरी खरीद को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा और टालियाँ आने जाने से बाधित हो रही थी। मैंने इसीलिए उनको अवगत कराया कि कृपया मेरी खरीद हो रही है, यहाँ पे किसी प्रकार का अवरोध या इस तरह का सरकार की कार्य में बाधा न डालें, यही मुझे कहना है। धन्यवाद। पर आपके कहने के बाद वो लोग रुके हैं या चले गए? नहीं, बार बार अनुरोध करने पर वो लोग गए हैं। बार बार अनुरोध मैं करता रहा, उसमें अनावश्यक जो है वो तेवर में आते रहे, लेकिन मैंने उनको समझाया कि भाई आप यहाँ से जाएं, कार्य होने दें। कार्य न होता तो आप भले ही अपना जो भी कहना था कहते। अभी तक कितने किसानों की खरीद हो चुकी है? लगभग 300 के आसपास खरीद हो चुकी है। वर्तमान में कितने लोग बचे होंगे अभी? अभी मान के चलिए कि यहाँ पे 7-8 टालियाँ हैं, वही किसान बच रहे हैं। कब तक ये कार्य को आप पूरा करेंगे? ये कार्य अगर हमारी फीडिंग 300 क्विंटल के अंदर रहती है तो ये आज खत्म हो जाएगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम कस गई है और अधिकांश राज्य अब अनलॉक की ओर बढ़ चुके हैं। राज्यों में टीकाकरण का कार्यक्रम जोर शोर से जारी है और ज्यादा से ज्यादा राज्यों में कोरोना कर्फ्यू हट चुका है। ऐसे में स्कूली छात्र और अभिभावक ये जानना चाहते हैं कि स्कूल कब से खुलेंगे। बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है और तीसरी लहर आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इस खतरे की वजह से ही देश में CBSE और ICSE बोर्ड के अलावा कई अन्य स्टेट बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। ऐसे में स्कूल खोलने को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ABC चैनल ने BSA ने बातचीत कर यथास्थिति जाननी चाहिए। आजमगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि फिलहाल उन्हें परिषदीय विद्यालयों को खोलने को लेकर कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए, लेकिन सभी नव निर्वाचित प्रधानों से जूम मीटिंग कर कायाकल्प योजना के तहत सभी विद्यालयों को सबसे बेहतर बनाने का कदम उठाया जा रहा है। वहीं जब स्कूल खुलेगा तब सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तक मिले, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। वहीं सभी बच्चों के खातों में MDM जूता, मोजा व ड्रेस के लिए धन भेजा जा रहा है। नए सत्र के लिए जो नवीन नव निर्वाचित ग्राम प्रधान है, पहले सबको मैं उनको नव निर्वाचित होने पे बधाई देता हूँ। और कल से हमने 7-7 ब्लॉक के नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों से जूम मीटिंग के माध्यम से हम बात हो रही है। ऑपरेशन कायाकल्प के संबंध में उनसे चर्चा हो रही, बताया जा रहा है कि ऑपरेशन कायाकल्प में 18 पैरामीटर्स हैं जिनको हमें इस साल पूरा करना है। प्रयास है कि 3 महीने में पूरा हो जाए। तो सभी नव निर्वाचित ग्राम प्रधान उत्साहित हैं, उनको कायाकल्प के बारे में बताया गया है। जो अधूरा काम अभी विद्यालयों में है उन्हें पूरा करने के लिए उनसे वार्ता की जा रही है। आज भी हम 7-8 ब्लॉकों के ग्राम प्रधानों से हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और मैं सब स्वयं बात कर रहे हैं और वो मोटिवेट भी है। उनसे पूरा आश्वासन मिल रहा है कि जो विद्यालय हमारे, जैसे दिव्यांग सुलभ शौचालय है, टाइलीकरण की कार्यवाही है, कक्षा कक्षों में है, शौचालय में है, रनिंग वाटर की व्यवस्था है, विद्युत संयोजन की है, तो सभी बिंदुओं पे डिटेल से हम बात कर रहे हैं और वो ऊर्जावान है। उनसे आश्वासन मिल रहा है कि हम विद्यालयों में बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारा जो स्कूल है वो प्रेरक स्कूल बनेगा, ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक होगा, जनपद प्रेरक जनपद बनेगा जल्दी। और मैं समझता हूँ जब सारे जनपद प्रेरक जनपद होंगे, पूरा प्रदेश हमारा जो है प्रेरक प्रदेश बन जाएगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, वो जल्दी इस साल तक, इस सत्र के अंत तक पूरा कर देंगे। नए सत्र के लिए बच्चों के स्कूल खुलने के बारे में भी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है कि बच्चे जाएंगे नहीं जाएंगे, टीचर जाएंगे नहीं जाएंगे।
लेकिन अभी समय है स्कूल खुलने में, तो अभी शासनादेश या जो विभाग निर्देश है वो मैं समझता हूँ प्राप्त हो जाए, उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। बच्चों को जैसे जो विगत वर्षों में शिक्षण सामग्री मिलती है उसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, उसकी तैयारी है, वो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। शेष जो अन्य लाभार्थी परक योजनाएं हैं जो छात्रों को दी जाती है, बैग है, जूता मोजा है, स्वेटर है और यूनिफॉर्म है, तो इसके लिए इस बार व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है। इस साल ये सब बच्चों को ना दे करके इनके पेरेंट्स तैयारी है और वो निश्चित रूप से एक अच्छा काम होगा। हम लोग उसमें जो हमें दिशा निर्देश विभाग का मिला उनके अनुसार कार्यवाही प्रारंभ कर दी। कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रभाव कम होने के साथ ही धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक हो रहा है, लेकिन अभी भी विद्यालयों में पठन पाठन पूरी तरीके से ठप है। इसी को लेकर राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ की जिला इकाई ने आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर लामबंद होकर निजी जूनियर हाई स्कूलों को खोलने की मांग की। कहा कि सीनियर बच्चे तो किसी तरह से ऑनलाइन पढ़ ले रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे पूरी तरह से दिशाहीन हो रहे हैं। प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि महामारी के तहत लगभग 17 माह से विद्यालय बच्चों के लिए बंद है। इस दौरान सभी प्रबंधकों ने सरकार के आदेश का पूरी तरह से पालन किया है और सरकार के आदेश के क्रम में ऑनलाइन शिक्षा जारी रखी, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा के तहत कक्षा LKG से कक्षा 8 तक के बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त है। ग्रामीण अंचल में लगभग 80% विद्यालय संचालित होते हैं, जिसमें नेटवर्किंग, मोबाइल व अन्य ऑनलाइन संबंधित यंत्रों का पूर्ण अभाव होने के कारण विद्यालय में पढ़ रहे 99% बच्चे ऑनलाइन सुविधा से वंचित हैं, जिसके कारण वो मानसिक दबाव में आकर के असामाजिक तथ्यों से परिचित होकर असामाजिक कृत्यों को कर रहे हैं, जिससे विद्यालय प्रबंधन को प्रतिदिन अभिभावकों की तरफ से सूचित करते हुए शिकायतें की जा रही है। लगभग 90% बच्चों से शिक्षा से वंचित हो गए हैं। ग्रामीण अंचल में संचालित हो रहे समस्त विद्यालयों की आर्थिक दशा भी अत्यंत ही दयनीय हो गई है, जिसके तहत जो विद्यालय किराए के भवन में संचालित हैं उनके किराया अदा न कर पाने के अभाव में विद्यालय बंद हो गए। विद्यालय के बिजली बिल जमा नहीं हो पा रही है। विद्यालय में चल रही गाड़ियों की किस्तें लगभग 1.5 वर्षों से जमा न होने के कारण से बैंक प्रबंधक की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई को धमकी दी जा रही है, जिससे प्रबंध तंत्र अत्यंत परेशान और मानसिक रूप से त्रस्त है। आज 17 महीने से हम लोगों के विद्यालय बच्चों के लिए बंद पड़े हैं। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग लगातार देते चले जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में लगभग 80% विद्यालय हैं और वहाँ पे ऑनलाइन जो बच्चे ले रहे हैं उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उनके एक ही मोबाइल है और उस मोबाइल पे एक घर में 4-4 बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए इतनी समस्या हो रही है। पेरेंट्स रोज आकर के हमारे यहाँ शिकायत कर रहे हैं और ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह से गांव के विद्यालयों में ध्वस्त है। जो विद्यालय किराए पर चल रहे हैं उनकी स्थिति ये हो गई है कि इतना ज़्यादा किराया बाकी हो गया क्योंकि वो फीस भी नहीं जमा कर रहे और वो विद्यालय बंद हो चुके हैं और ये बच्चे मोबाइल पे अगर कहीं पा भी जा रहे हैं, एक दो बच्चे क्लास में आ रहे हैं तो वो असामाजिक तथ्यों को देखते हुए इतने असामाजिक कृत्य कर रहे हैं कि उसकी वीडियोस हम लोगों पे आ रही है और हम लोग बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल परेशान हैं। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं हर जगह सारे सेक्टर्स COVID-19 के दौरान खोले जा रहे हैं, उसी तरह से विद्यालय भी, जबकि NCERT की गाइडलाइन है ऑड इवन पे ही सही 30% बच्चों के साथ ही सही, लेकिन जब तक इनकी फिजिकल क्लासेस नहीं चलेगी तब तक हम लोग गांव में जो विद्यालय चला रहे हैं उनकी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। 99% बच्चे हम लोगों के स्कूल से बाहर जा चुके हैं और न तो उनकी शिक्षा सुचारू रूप से हो पाएगी और न तो हम लोग अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाएंगे। हमारा माननीय DM महोदय से और सरकार से अनुरोध है कि कम से कम जैसे सबके लिए आपने SOP लगाई है वैसे ही हम लोगों के लिए एक निश्चित SOP बना करके आप उसकी मॉनिटरिंग करिए CCTV कैमरे से और उसको देखते हुए कम से कम 30% बच्चों के साथ ही विद्यालय खोल दीजिए ताकि बच्चे स्कूल में आए और स्कूल में आने से उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी होती रहे और अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत सारे बच्चे विक्षिप्त हो रहे हैं
और विक्षिप्त होने के साथ साथ उनकी इम्यूनिटी, चूँकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हम लोग जानते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा गिर रही है। थर्ड वेव का इंतजार किस तरह से किया जा रहा है ये मेरे समझ से परे की चीज़ है, क्योंकि थर्ड वेव जैसे ही आएगी अगर प्रशासन को दिक्कत होगी हम अपना विद्यालय खुद ही बंद कर देंगे। लेकिन मांग यही कर रहे हैं कि 30% बच्चों के साथ स्कूल खोलने की अनुमति जरूर प्रदान करें जिससे बच्चों की विक्षिप्तता और उनके मानसिक संतुलन ठीक ठाक रहे। अगर नहीं खोला जा रहा था कि क्या रणनीति हम बनाएंगे, अभी आप जाएंगे? अगर विद्यालय नहीं खोला जा रहा है तो हम लोग शासन प्रशासन से गुहार लगाएंगे और उनके अक्षर से आदेशों का पालन करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का सारा नियम पालन करते हुए हम लोग अपनी बात शासन प्रशासन से रखेंगे कि जिस तरह से मंदिर मस्जिद और सारे सेक्टर्स खोले जा रहे हैं उसी तरीके से जो छोटे बच्चे हैं, जो 8 तक के बच्चे हैं जिसको ऑनलाइन नहीं दिया जा सकता वो विद्यालय जरूर खुलने चाहिए, क्योंकि वो बच्चे पूरा प्रिकॉशन लेते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बनाया जाए, खोला जाए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे एफिलिएशन पर तुरंत और तत्काल कार्रवाई कर देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर जिला विधानसभा एवं ब्लॉक कार्यकारिणी की गठन और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी की एक आवश्यक बैठक सिधारे स्थित साक्षी होटल में सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव की उपस्थिति में गोविंद दुबे को आजमगढ़ नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गयी। श्री गोविंद दुबे ने कहा नगर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के संगठन को और मजबूत करके नगर पालिका द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को रोका जाएगा व आम आदमी की समस्याओं का मजबूती से समाधान कराया जाएगा। सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हम और हमारी टीम काफी दिनों से सामाजिक ताने बाने से हमारा सरोकार रहा है, अब अचानक से हमारे टीम के, हमारे लोगों की, हमारे कुछ अग्रजों की यह आस्था रही कि जो है कुछ और बढ़ के किया जाए, तो उस कार्य को करने के लिए कहीं ना कहीं हमको एक बड़े दल या एक संबल की आवश्यकता थी जो कि नितांत ही आवश्यक। तो जब चारों तरफ निगाहें हमने दौड़ाई तो कहीं ना कहीं सारी पार्टियों में नाना प्रकार के विभेद पाए गए, कहीं जातिगत विभेद है, कहीं सांप्रदायिक विभेद है, कहीं पारिवारिक ताने बाने का पूरा सामंजस्य बना हुआ है। तो अंत में चूंकि हमारी बुनियादी जो लड़ाई थी शिक्षा की, वो लड़ाई हमने पाया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़के और घर घर उसको कंप्लायंस करा दी। मतलब मुझे लगता है कि 80% शिक्षा में सुधार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार माननीय मंत्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा कंप्लायंस करा दिया गया। मैं यहाँ 2014 से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, हमारी टीम लड़ रही है, उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ इस लड़ाई को लड़ रहा है। उस लड़ाई में हमारे लोगों ने FIR भी ले लिए अपने ऊपर, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगी। वो एक सिर्फ खोखला चिट्ठा दे दी, फी रेगुलेशन एक्ट 2018 लॉन्च कर दी, लेकिन ढाक के 3 पात हुए। तो मैं इस सोच से कि आम जनमानस और करोड़ों घर के जो आर्थिक शोषण हो रहे हैं शिक्षा के मामले में, उस शोषण को रोका जाए, उसके रोकने के लिए हमारा साथ कौन देगा? तो आम आदमी पार्टी, जो इसका कंप्लायंस 80% करा चुकी है दिल्ली में। एक विषय वो था। दूसरा, आम आदमी पार्टी बुनियादी समस्याओं की वो हर लड़ाई लड़ती है जिससे कि एक हर घर को, एक गरीब तबके को राहत मिलती है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, इन सारी बुनियादी लड़ाई को लड़ती है। कोई जातिगत व्यवस्था नहीं है इसमें, किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव नहीं है यहाँ पे। मैं खुले मन से आम आदमी पार्टी को सहर्ष स्वीकार किया, इसकी सदस्यता स्वीकार किया और इसकी लड़ाई में, जब तक इसकी लड़ाई आम जनमानस के अंतर्गत रहेगी, इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ा जाएगा और इसका संरक्षण जब तक हमारे ऊपर रहेगा, हम इस लड़ाई को लड़के आम जनमानस को सुविधा मुहैया कराने का काम करेंगे। इसी योजना के साथ हमारा इस पार्टी में, हमारा इस परिवार में आने का पूरा मन लगा। बिल्कुल, नगर की समस्याएं बहुत क्लिष्ट और व्यापक हैं। मैं जानबूझ के, मैं आप पत्रकार भाइयों को बता देना चाहता हूं, जनता को बता देना चाहता हूं कि यह तो मुझे बखूबी पता है कि हमारा जनपद पूरी तरह से समाजवादी का गढ़ है, लेकिन उसके बाद भी हमने अगर इसमें आने का मनसूबा बनाया तो उसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था,
जमीनी और कंक्रीट तैयारी। हम यहाँ पे इस पार्टी का जनाधार नहीं भी है तो भी यहाँ पे एक एक घर जाकर जनाधार बनाएंगे, उनको उनके अधिकारों से रूबरू कराएंगे, उनके मौलिक अधिकार क्या है उनको अवगत करा के उनके जमीन को जगा के और यहाँ पे एक बड़ा जनाधार का निर्माण करके यहाँ की बुनियादी समस्याओं को दूर करने का काम हम करेंगे। इस अपेक्षा और अनुशंसा के साथ मैं इस पार्टी में कदम रखा। ये सब बुनियादी जितनी भी आवश्यकताएं समस्याएं हैं इनको मैं इनसे बखूबी अवगत हूँ, चूंकि पूर्व के 20-25 सालों से हमारे संबंध नगर पालिका से, चूंकि हमारा जन्म भी यही है, यहाँ की एक एक गलियों से मैं वाकिफ हूँ, एक एक घरों से वाकिफ हूँ। यह समस्या बहुत जटिल है और निश्चित रूप से हम इसको दूर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और इसको दूर करके एक नया आयाम सिद्ध करके यहाँ के नगरवासियों को हम दिखाएं। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मंगलवार को जनपद आजमगढ़ की वर्तमान सभी विधानसभा इकाइयों को व ब्लॉक इकाइयों सहित आरटीआई प्रकोष्ठ को छोड़कर अन्य सभी प्रकोष्ठों को जिला कार्यकारिणी की संतुति पर भंग करके नई विधानसभा कमेटी, ब्लॉक कमेटी, प्रकोष्ठ व सेक्टर अध्यक्ष अगले एक सप्ताह में बनाने का निर्देश जिला कमेटी को प्रदेश उपाध्यक्ष ने दिया। इस अवसर पर राजेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, यहाँ तक कि भाजपा और संघ के लोग राम मंदिर के निर्माण में भी घोटाला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कई विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी है। आने वाला दिन आम आदमी पार्टी का है, इसलिए आप सभी लोग अभी से अपने अपने क्षेत्र में लग जाएं। उन्होंने विभिन्न दलों के अच्छे लोगों का आह्वान किया कि वो आकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करें और जनता की लड़ाई में आम आदमी पार्टी का साथ दें। गोपालपुर विधानसभा के इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही प्रदेश में भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त शासन दे सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने पंचायत चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी में आस्था व्यक्त की है उससे लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। कार्यक्रम में तमाम नए लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिन्हें पार्टी के उपाध्यक्ष राजेश यादव ने पार्टी की टोपी व माला पहनाकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अगले महीने से पूरे जनपद में बृहद सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर सभी पदाधिकारियों के बीच मंथन किया गया तथा जिम्मेदारी सौंपी गयी। इस मौके पर व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव उमेश सिंह, जिला महासचिव इसरार अहमद, रामरूप यादव, उमेश सिंह, डॉक्टर विनय यादव, जयप्रकाश सिंह, गौरव यादव, उमेश यादव, हरेंद्र यादव, सत्यनारायण मौर्य, अश्विनी राव, अभिषेक पांडे, रामाशीष, सुबेदार सिंह, आदर्श कुमार सिन्हा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी परिवार का आज पूरे जनपद आजमगढ़ की आज बैठक थी कार्यकारिणी की। प्रदेश कमेटी की तरफ से विभिन्न जनपदों में संगठन के दुरुस्तीकरण के लिए और जो हमारे पुराने साथी निष्क्रिय हैं उन्हें बदल करके नए साथियों को संगठन में स्थान देने के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई थी। तब हमारे तमाम जो नए साथी हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं उन्हें नई प्रकार की जिम्मेदारियां देने की बात थी। साथ साथ हम लोग अब परिवार, चूँकि आम आदमी पार्टी का परिवार काफ़ी बड़ा हो रहा है तो संगठनात्मक स्तर पे हम बूथों तक की योजना के तहत बैठकें आयोजित कर रहे हैं और हमारे लगभग 20 बूथ पर एक सेक्टर अध्यक्ष बनने हैं और साथ साथ ब्लॉकों की कमेटियां और विधानसभा की कमेटियां। तो जो हमारी आज की बैठक आजमगढ़ में हुई है उसमें कार्यकारिणी के हमारे साथियों के निर्देश पर, इनकी संस्तुति पर, जो वर्तमान कमेटी है विधानसभाओं की और ब्लॉकों की उन्हें भंग किया गया है और पुनः नई कमेटियों का निर्माण करने के लिए हम अब जिला कमेटी को निर्देश दिए हैं कि एक हफ्ते के अंदर जिले की समस्त विधानसभाओं की कमेटियां और साथ साथ ब्लॉकों की कमेटियां और सेक्टर प्रभारी बनाने का काम यथाशीघ्र पूरा करके उत्तर प्रदेश कमेटी को सौंप दें। इसी के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के अभिभावक संघ के सचिव
भाई गोविंद दुबे जी, जिनका काफ़ी सम्मान है और आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सारे आंदोलन किए हैं। आपने आम आदमी पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की, पिछले दिनों लखनऊ जा करके आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, आज पूरे कार्यकारिणी की संस्तुति पर आपको भाई गोविंद दुबे जी को नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इनका स्वागत किया गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि नगर क्षेत्र में फैली दुर्व्यवस्था को और खासकर नगर पालिका के भ्रष्टाचार को, जिससे आज नगर पालिका का व्यक्ति बहुत ही व्यथित है, उसे दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी के सहयोग से भाई गोविंद दुबे जी नगर में एक अच्छा संगठन तैयार करेंगे और नगर पालिका में जो दुर्व्यवस्था है उसे दूर करने का भरसक कोशिश करेंगे, आंदोलन करेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे और नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपना योगदान देंगे। भाई चुनाव में आपने देखा कि जिस तरह से दिल्ली की सरकार का एजेंडा बहुत ही खुला एजेंडा है, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग लगातार दिल्ली में काम कर रहे हैं और बसेस में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की योजना से लेकर के जो किसानों की फसल बर्बादी है उस पर जो हमारी जो हमारा अनुदान हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है, साथ साथ हमारे जो अस्पताल है, जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बिल्कुल अलग तरह की सुविधाएं हैं। हम उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अपने उसी एजेंडे के तहत ये सुविधाएं प्राप्त करवाना चाहते हैं। और आजमगढ़ शहर में गैस पाइपलाइन के चलते महीने से सड़क को लावारिस छोड़ दिया गया, जगह जगह से टूटी सड़क अब बरसात में तालाब बन गई, आए दिन हादसे हो रहे हैं। अफसरों से शिकायत के बावजूद कोई समाधान करने को तैयार नहीं, जिस वजह से परेशानी और बढ़ रही है। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से वाहन चालक और राहगीर भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। पिछले कई माह से गैस पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन काम के दौरान लापरवाही बरतने से लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो जा रही है। बुलडोजर ने जमीन खोदने के चक्कर में पानी की मुख्य लाइन तोड़ दी, अंडरग्राउंड केबल काट दी है, बीएसएनएल की तार जगह जगह काट दिए हैं, लेकिन किसी की मरम्मत तत्काल नहीं हो रही है। मंगलवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप समस्या से उन्हें अवगत कराया। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष मनोज कुमार बरनवाल ने कहा कि आजमगढ़ में गैस पाइपलाइन का कार्य सड़क खोदकर किया जा रहा है, जिससे अंडरग्राउंड केबल, पानी की पाइप, बीएसएनएल का तार जगह जगह काट कर छोड़ दिए जा रहे हैं, जिससे कई दिनों से रैदोपुर व ठंडी सड़क पर लाइट, पानी की काफी परेशानी हो रही है। पाइपलाइन का कार्य करा रहे ठेकेदार से कहने पर झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन केबलों, पाइपलाइन को अभी तक ठीक नहीं कराया गया। विद्युत विभाग में भी शिकायत की गई, वहां पर भी गैस पाइपलाइन के ठेकेदार द्वारा 2 दिन का लिखित आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। उक्त कार्य विद्युत विभाग, जलकल व बीएसएनएल विभाग से बगैर अनुमति लिए कराया जा रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि गैस पाइपलाइन के ठेकेदार को आदेशित करें कि वो केबल, पानी की पाइप व बीएसएनएल का तार ठीक करा कर ही आगे कार्य करें, जिससे लोगों को पानी व लाइट की समस्या ना झेलनी पड़े। हम लोग आए आज ज्ञापन देने डीएम साहब को कि जो ये गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है सड़क पे और गड्ढा किया जा रहा है, तार को जो भी अंडरग्राउंड केबल तार है, टेलीफोन तार है, पाइप पानी की है, ये सब को ध्वस्त कर दे रहे हैं लोग। और जब विभाग में हम लोग इसकी कंप्लेन कर रहे हैं तो विभाग वाले कह रहे हैं कि हम लोग को कोई सूचनाएँ नहीं है और अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और लाइन कई दिन तक बाधित रही, अभी रायदोपुर में बाधित रही, ठंडी सड़क पर लाइन कई दिन तक कटी रही और अभी भी बिगड़ी हुई है और बनाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं लोग, सिर्फ गड्ढा कर रहे हैं। उसी के खिलाफ हम लोग आए हैं कि जो भी कार्य हो उसको तुरंत उस पर बनने का काम हो और सही तरीके से काम हो। हमारी मांग यही है कि पाइपलाइन बिछाई जा रही है तो बिछाएं, लेकिन बिजली विभाग को और सभी संबंधित विभागों को सूचना दें ताकि तुरंत आकर वो अपना कार्य करें। लाइन कई दिन तक खराब हो जा रही है, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, लाइट नहीं मिल रही है, परेशानी हो रही है जनता को। सरायमीर एवं निजामबाद थाना पुलिस ने जिला प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट में पाबंद किए गए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। सरायमीर थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर जालसाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले तथा गैंगस्टर एक्ट में पाबंद किए गए अभियुक्त को मंगलवार क्षेत्र के नंदाव मोड़ से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अली हसन उर्फ अली अहमद उर्फ पप्पू नट पुत्र अकबाल मुबारकपुर थाना क्षेत्र के खौरा गाँव का निवासी बताया गया है। गिरफ्तार आरोपी के ऊपर धोखाधड़ी व शस्त्र अधिनियम सहित कई मामले
पंजीकृत बताए गए हैं। वहीं निजामाबाद थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में पाबंद कल्लू उर्फ अनिल पुत्र शंकर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी निजामाबाद क्षेत्र के गंधुई गांव का निवासी बताया गया। इसके खिलाफ भी चोरी व धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज बताए गए हैं। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़ किराना स्टोर जनरल मर्चेंट कॉस्मेटिक फास्ट फूड होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले कॉस्मेटिक स्टोर स्नैक्स स्टोर समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड होम और किचन के प्रोडक्ट बेकरी स्टोर डेयरी प्रोडक्ट सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा 10-40% तक छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट। शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड फ्लश डोर डिजाइनर डोर पीवीसी डोर फोर माइका फैंसी हार्डवेयर किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।